अस्सलामुअलैकुम। अपना वॉलेट थिंक टैंक जो के मरकूज है ख्वातीन और लड़कियों की एम्पावरमेंट पे, और चाहता है कि ना सिर्फ खुद मुख्तारी के हवाले से ख्वातीन और लड़कियों की कम्युनिटीज में शोर आगे ही बढ़े, बल्कि पॉलिसी मेकर्स में भी ये शोर आगे ही बढ़े। इस हवाले से हमने टेक्स की तशरी के उन्वान से एक सीरीज शुरू की, जिसमें हमारे खुशनसीबी के हमारे साथ माया नाज कानूनदान, टैक्स एक्सपर्ट और बेहतरीन मेंटर डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ रहे, और आज की इस खुसूसी और कंक्लूडिंग नशस्त में, टैक्स की तशरी की नशस्त में बात होगी हल की, कि भाई इतने मसाइल जिनकी निशानदेही हम करते रहे हैं उसका कोई हल भी तो होगा। तो अस्सलाम वालेकुम सर, और एक दफा फिर शुक्रिया। वैसे ये इस सीरीज का आखिरी प्रोग्राम है, आपको हम बार बार तंग करते रहेंगे। और जिस तरह बात हुई कि सिर्फ मसाइल का बताना, आइडेंटिफाई करना ही अच्छा काम नहीं होता, बल्कि उनके सॉल्यूशंस को भी सामने लाना होता है। तो आज सर हम आपसे यही पूछेंगे कि इस टैक्स के निजाम में जो इतने सारे हिकअप्स हैं, और खवातीन और लड़कियों के लिए, खास तौर पे उन खवातीन और लड़कियों के लिए जिनके साथ कुछ और ऑड्स भी हैं, माजूरी के हवाले से, उनके मैरिटल स्टेटस के हवाले से, उनकी इनकम सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, फिर उनके बच्चों की तो हमने बात नहीं की चूंकि इतना ज्यादा वक्त नहीं मिल रहा था, कि एक और ऑड भी होता है कि कुछ खवातीन के जो बच्चे हैं उनके साथ भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उनमें भी डिसेबिलिटी हो सकती है। तो इतने ऑड्स होते हैं, और फिर भी वो चाहती हैं कि वो टैक्स को जो है वो अदा करें। तो सर मेरा सवाल ये है कि जब हमने इदारों पे तनकीद नहीं है, लेकिन टैक्स की बात हो तो FBR के जिक्र के बगैर उसकी बात हो नहीं सकती, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसको पहले CBR कहते थे, और ऐसे जो भी सूबाई सतह पे भी जो इदारे हैं जिनका काम होता है टैक्स की वसूली, जब वो टैक्स पेयर को कोई खत भेजते हैं, कोई चिट्ठी आती है, तो मुझे तो ये पता है कि हमारे यहाँ ऐसे पोजीशंस पे वही लोग जाते हैं जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है और बड़े पढ़े लिखे होते हैं, तो सर वो इतनी अजीब सी जबान क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो डरा देते हैं। तो बहरहाल सर आप बताएं कि ऐसा क्यों होता है, ये लेटर किसने ड्राफ्ट किया, ये भी ब्रिटिश इंडिया के जमाने से ड्राफ्ट हुआ है, इस किस्म की संगीन और तोहीन आमेज अंग्रेजी में ये लिखा जाता है, और हमारे मसाइल का हल क्या है? जी, जो कानूनी जुबान वो इस्तेमाल करते हैं वो भी एक उसी सिलसिले की कड़ी है कि जब हम गुलाम थे तो हमें इस तरह के तरीके से ही मुखातिब किया जाता था कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपको जेल में दे देंगे, आपके साथ ये पूरा सलूक करेंगे, आपको पेनल्टी लगेगी। अब हालत ये है कि इस वक्त जैसे हमने अपने प्रोग्राम के एक हिस्से में कहा था शुरू में कि इस वक्त पाकिस्तान में कोविड के बाद, अब मैंने अभी आज वाले अपना आर्टिकल में अपडेट किया तो देखा कि 31 मई को हमारे यहाँ 101 मिलियन जो थे वो तो ब्रॉडबैंड हैं, वैसे टोटल जो मोबाइल यूज़र हैं वो 186 मिलियन हो चुके हैं 220 की आबादी में, और उसमें से आपको हरादी होगी कि 96 मिलियन ऐसे हैं जिनके पास 3G या 4G सर्विस है। तो एक रेवोल्यूशन हमारे माशरे में ऑटोमेशन की वजह से आया है। अब आप देखते हैं कि चाहे एक बहुत ऑनरेबल जो रेडी पे सारा दिन अपनी सब्जी दे, उसके पास भी मोबाइल होता है, जो हमारे घरों में काम करने के लिए लोग आते हैं या जिनसे भी हमारा रब्ता होता है, उनके ऊपर भी बेशुमार जो है सूबाई और वफाकी, जिनका हम पहले प्रोग्रामों में जिक्र कर चुके हैं, जब लोग सीरीज देखेंगे तो मैं दोहराना नहीं पड़ेगा, तो हमने कहाँ से टैक्स ले रहे हैं ये, तो इससे पता चलता है कि हमारे जो कानून साजी का रुख था और हमारी जो अप्रोच थी अपने लोगों की तरफ वो वही रही जो दरअसल, अब हम तो उनसे भी एक आध बुरे हो गए। अंग्रेज़ों के ज़माने में उन्होंने सॉल्ट पे टैक्स लगाने की कोशिश की थी और उस एक्ट का नाम भी सॉल्ट एक्ट ही था 1940 में, और उसके ख़िलाफ़ जो था जहाँ सत्याग्रह हुई और उन्होंने जाकर समंदर के ऊपर खुद बनाया और बहुत लंबा लॉन्ग मार्च हुआ, और उन्हें कहा कि नमक तो समंदर से हासिल होता है, उस वक्त तो ये कान वाले नमक की और पैकिंग की बात नहीं थी, और नमक ज़ाहिर है आपको पता है हर चीज़ में ना सिर्फ इस्तेमाल था बल्कि चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए भी होता था, तो इसकी एक तारीख थी। तो हमने तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है, हमने कोशिश की है इस रियासत ने अपने लोगों को जिस कदर भी ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर टैक्सों का बोझ डाल सके, और उसके बदले में
जो लोग घर बैठकर जो ख्वातीन हैं या मर्द हैं और वो अपने तौर के ऊपर खुद बजाय के हाथ फैलाने के भीख मांगने के या अपने ज़ाहिर एक इज़्ज़त नफ्स का मामला भी होता है, सिर्फ ये नहीं आप लंगर खाना खोल दें और वहाँ पे वो नशा करने वाले लोग और वो लोग जो बिल्कुल अब लाइफ में कोई काम नहीं करना चाहते अनप्रोडक्टिव लोग हो जाते हैं गैर पैर, फिर ज़हनी तौर पर आप डॉक्टर हैं आप समझती हैं कि जब आदमी के पास काम करने को कुछ नहीं होता और उसको सिर्फ आप नागा या खाना दे देते हैं तो उसकी क्या ज़हनी हालत होती है और वो किस तरह का जो है वो ज़हनी जो तजब्ज़ुब का शिकार रहता है सारी मगर उसकी पर्सनैलिटी ही सारी उसे मैं कहता हूँ डीह्यूमनाइज हो जाती है। अगर आप और मैंने एक बात मुश्तरक है कि मैं अगर से टैक्स का वकील अब समझा जाता हूँ मगर मैंने एक ज़माने में साइकोलॉजी को और एरिक फ्रॉम को से लेकर फ्राइड से सबको पढ़ा है और मुझे पता है कि एक सेन सोसाइटी में और एक इनसेन सोसाइटी में तो जाते हुए एरिक फ्रॉम ने जो अपनी बेहतरीन किताब लिखी थी वो था रोड टू सैनिटी कि अब हमें कैसे इंसानों को एक बाइज्जत से माशरे की तरफ जाना है जिसमें इंसान की सेहत क्योंकि आपके पास बहुत दौलत हो सकती है मगर आप ज़हनी अगर आपको ऐसा नोटिस आ जाए जैसा नोटिस अभी आप जिक्र कर रहे थे आप कितने अमीर आदमी भी हो तो ज़हनी तौर पर आप पर भी उसका वही असर होगा जो एक आम खातून पे होगा क्योंकि जाहिर है कि बाकी दुनिया के ममालिक में उनके पास डेटा होता है वो जब तक उनके पास कोई बहुत नाकाबले तर्दीद सबूत ना आ जाए कि आपने जो है वो कोई ऐसा जुर्म किया है वो आपको बुलाते गया ख़त भी लिखना तो बहुत दूर की बात है उस पर तो बहुत हैवी वहाँ पर उसके आपकी नौकरी जा सकती है आपको सज़ा हो सकती है आपको अपनी जेब से कंपनसेशन पे करने की जज कहेंगे और जब तक आप जज को कोई नाकाबले तर्दीद सबूत नहीं बताते और वो भी आप लेकर नहीं जाते बल्कि उनकी प्रोसिक्यूशन ब्रांचेज अलहदा होती हैं हमारे यहाँ वो इनकम टैक्स का हो चाहे सेल टैक्स का हो कस्टम का हो वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है खुद ही वो प्रोसिक्यूटर है और खुद ही जज भी बन जाते हैं वो तो इस लिहाज से वो आपको कंडेम फॉर एवर कर देते हैं जिससे लोग खौफजदा होकर बजाय टैक्स को अपनी एक ऑब्लिगेशन समझ कर और उसके बदले में जो हमने पिछले प्रोग्रामों में जिक्र किया था फिर रियासत की क्या जिम्मेदारी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनके हमारे रियासत के दरमियान और उसके जो सिटीजन हैं उसके दरमियान यही है कि शहरी जो हैं वो अपने हकूक जो है वो मांगेंगे मगर तब जब वो अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे देंगे और उसमें टैक्स देना भी एक फ़र्ज़ है और सब दे भी रहे हैं इस माशरे में जैसे मैंने बताया था कि वो भी दे रहे हैं जिन पर टैक्स नहीं बनता है यानी अगर एक बेवा है उसको 100 रुपये भी अगर मुनाफा मिलेगा तो वो उसके ऊपर 15% अब टैक्स कर दिया और वो रिटर्न नहीं देगी तो उस पर 30% दिया जाएगा। आप बताइए कि 4 लाख तक तो वैसे इनकम पे टैक्स नहीं लगता है और आप ये कह रहे हैं कि वो मिसाल के तौर पर वो अभी बेवा हुई हैं और उनके खामत किसी ऐसी जगह काम करते थे जहाँ पेंशन ग्रेचुटी मिल जाती थी अब वो जाहिर है कि उसको किसी जगह जाकर नेशनल सेविंग स्कीम में रख देंगी क्योंकि बिज़नेस में तो उन्हें पता है रिस्क होता है और वो घर से कैसे निकलेंगी अकेले बिज़नेस करने के लिए। बहुत कम औरतें हैं जो हमारे यहाँ एंटरप्रीनरशिप में हैं या बहुत बड़ी कोई फैक्ट्रियाँ चलाती हैं या कहीं मुलाजम हैं या मैंने आपको बताया था कि बड़े शोबे में हमने उनको बताया हुआ कि आप नर्स बनेंगी आप ये बनेंगी कुछ डॉक्टर्स वगैरह ठीक है वो बहुत कम तादाद में है तो उनके लिए ये बड़ा मसला है कि फिर हम ये इस तरह का माशरा कायम कर रहे हैं जहाँ पे हम नाजायज़ तौर पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लेकर उसका बोझ तो गरीब आदमियों पर और जो मिडिल क्लास है उस पर ज़्यादा होता है और अमीर आदमी की सैलरी से या अमीर आदमी के जो और ज़राए आमदनी है उसका तो वो बहुत कम हिस्सा लेता है तो अगर आप 17% का यहाँ पर सेल टैक्स लगाएंगे और सूबों ने तो खैर उसको अपने सर्विसेज पे 19.5% तक लगा रखा है और एक आम सी सर्विस को जिसे कनेक्टिविटी राइट ऑफ लाइफ है मगर हमारी मोबाइल यूज़ पर हमारे इंटरनेट यूज़ पर भी लगा रखा है एहसास ज़िम्मेदारी बहुत होता था कि ये लोगों का पैसा है और लोगों पर खर्च होना है हम सिर्फ सरकार के मुलाजिम हैं बन गए हैं तो एक तो हमें कोई कारोबार नहीं करना है और दूसरा ये कि जो अमानत है लोगों की वो उन तक ही पहुँचानी है और उसमें जो ज़्यादा हकदार लोग हैं हमने जो हमारे टेबल हैं वो लोग जो ज़िंदगी की दौड़ में उनको भी हमने साथ लेकर चलना है उनको बल्कि ट्रेन करना है उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है। अब आप देख लीजिए कि हर एक जगह पर ये असूल है कि आपने 16 साल की वहाँ भी कुछ ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं ड्रग्स वगैरह की लेकिन ये सारे माशरों में नहीं है तो वहाँ तालीम के दरमियान आपको देख लेते हैं कि अच्छा आपका अंदर ये सलाहियत है कि आपको आगे कॉलेज के लिए जाना जाए बाकी सारे के सारे वोकेशंस हासिल करके कुछ स्किल्स हासिल करके वो काम बड़ा इज्जत का समझ अब जहाँ कोई
अगर मिस्त्री बन जाए या आपका नलका ठीक करना बन जाए तो सोसाइटी उसको लुक डाउन अपॉन करती है, यानी उसकी तरफ एक हकारत की नज़र से देखती है। ये हमने ख़ास तौर पे इंडिया में आकर जब हम एक ऐसी क्लास सोसाइटी में रहे तो कहने को तो हमने इस इलाके को फतह कर लिया, मगर उनके यहाँ जो ये निज़ाम था जो इंसानों को डिवाइड करता था कि ये शूदर हैं तो शूदर ही रहेंगे, ये ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण ही रहेंगे, ये अगर कश्ते हैं तो वही रहेंगे, तो उसी को हमारी भी यहाँ पे हमने कल्चर के तौर पर उन्हीं चीज़ों को अपना लिया। और हमारे यहाँ ये अदम मसावात का और इस चीज़ों का, इसलिए वो बच्चा कहता है कि अगर आपने देखा होगा कि वो छोटी मोटी नौकरी अगर उसको ऑफर भी हो तो वो कहते हैं ये तो फैमिली के लिए स्टिग्मा होगा। और लेकिन जहाँ रिश्वत वाली होती है वहाँ पटवारी बनने को वो तैयार हो जाते हैं, जागीरदारों के बच्चे भी, अगर वो पावर वहाँ चाहते हैं, क्योंकि वो वहाँ तनख्वाह का मसला नहीं होता, उनको दो चीज़ें चाहिए आवाम पे भी और कमज़ोर तबकात को भी हमेशा ज़ेर नगर रखने के लिए, एक पैसा और दूसरी उनको पावर चाहिए होती है। तो वो पावर जो है चार चीज़ों से हासिल करते हैं, एक तो उसमें सबसे पहले आता है निज़ाम जो हमेशा टैक्स कहते हैं, वो टैक्सेस के ज़रिए लोगों को महकूम रखते हैं, लोगों से टैक्स वसूल करके अपने पास ताकत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा उनके पास वो दूसरा तरीका ये इस्तेमाल करती है, तीसरा फिर वो एक अदालती निज़ाम कायम करती हैं जिसके अंदर अमीरों को तो कभी सज़ा नहीं मिलती और गरीब जो हैं जेलें भरी रखते हैं। तो ये तीसरा तरीका होता है कंट्रोल का कि वो लोगों को एक रियासत में कैसे अपने कंट्रोल में रखें। तो एक रियासत में इस तरह की रियासत को आपने एक नाम का एक शख्स का नाम सुना होगा, वो बुनियादी तौर पर तो सोशियोलॉजिस्ट थे मगर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे, गुनर मडाल ने एक किताब लिखी थी एशिया के बारे में जिसका उससे उन्होंने उसके ऊपर उनको जो था नोबेल प्राइज़ भी मिला था, जिसका अनुमान ये था कि इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस और एशियन ड्रामा। तो ये एशियन ड्रामा यही था कि वेस्ट ने पहले यहाँ लूटमार की कॉलोनाइजेशन के ज़माने में और अपने वहाँ जाकर उन्होंने मसावात कायम कर ली और वहाँ पे उन्होंने कहा कि अब हमारे पास काफ़ी दौलत है तो ज़ाहिर है हम गरीब लोगों को भी लुक आफ्टर करके एक ऐसा दर्जा दे देंगे कि वो सारा दिन काम करें, मॉर्गेजेस पे चीज़ें लेते रहें और एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में वो एक पुर्जे के तौर पे काम करते हैं। वहाँ औरतों का भी यही हाल है कि वो दिन से शाम तक काम करती हैं और उन्हें एक्सप्लॉयट किया जाता है, और उनकी आपने देखा वहाँ ये बात जोर पकड़ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में औरतों की नुमाइंदगी हो, क्योंकि जिन जिन कंपनियों में औरतें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज़्यादा थी उन कंपनियों ने ज़्यादा तरक्की की है, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म की। और इंडिया में तो एक तो कंपनियों की माल जब औरतें बनी तो उन्होंने ऐसी ऐसी इनोवेशन की है जिसमें हम पीछे किसी मौजमदार का वो एक प्रोग्राम BBC पर देख रहे थे कि जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेडिक की वो कंपनी बनाई है। तो उससे मुराद ये है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो जाती हैं, जमहूरियत से आहिस्ता आहिस्ता आपको बराबर यकसा मौके मिलते हैं। तो इसको हम अपनी अंग्रेज़ी की तरह में सोशल मोबिलिटी कहते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि जितनी भी नॉर्डिक रियासतें हैं, यानी कि जिसमें फिनलैंड है, जिसमें स्वीडन है, जिसमें डेनमार्क है और इन चारों स्टेट्स, तो इनके अंदर उन्होंने टैक्सेस बहुत हाई रखे ताकि जो अमीर लोग थे वो टैक्सेस देते रहें और वहाँ जो बाकी लोग हैं वो उनको सोशल मोबिलिटी का मौका मिले। तो आपने देखा अरसा दराज से उनके जो कैबिनेट में लोग आते हैं और जो उनके वजीर आज़म बनते हैं वो बहुत ही आम लोग होते हैं और वो मराद भी नहीं लेते, खुद ही साइकिल चलाकर शाम को ऑफिस से फारिग होकर घर की ग्रॉसरी करते हुए उसी फ्लैट में जाकर और उसी तरह की ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं जो आम आदमी इस्तेमाल करता है। तो ये वो माशरा था जिसके अंदर हम समझते हैं कि आप टैक्सों का निज़ाम ले लें और माशरत को और मईशत को मिलाकर एक ऐसा माशरा बनाएं जहाँ पे हर इंसान जो है उसके पास बराबरी का हक हासिल हो, उसको ऊपर आने के लिए अपने मेरिट पर और अपनी जौहर पर आए। और जो जाहिर है कि हर कोई वहाँ प्रोफेसर नहीं बनेगा, तो अब वो अगर अच्छा प्लम्बर भी बनेगा तो कम से कम वो $200 लेगा आपके एक विज़िट का, और जो पर यूरो में उनकी सैलरी बनती है अगर आप वेस्ट में देखें तो ये लोग भाग भाग कर चाइना गए और वहाँ की लेबर को, चीप लेबर को यूज़ करने की कोशिश की। अब जाहिर है कि चाइना ने भी रीलोकेशन करके और उस चीज़ को, बल्कि शुरू शुरू में उनको ज़रूरत थी कि बिग कंपनीज वहाँ आती हैं और उनकी जो स्किल लेबर थी उसका इस्तेमाल करती हैं, और उन्होंने अपनी सत्ता गुरबत से आखिरी औरत को भी जो 84 साल की थी सितंबर में निकाल लिया। अब दुनिया का वाहिद मुल्क है जो ये कह सकता है कि वहाँ एक भी शख्स सत्ता गुरबत से नीचे नहीं है। ये दावा
ना वेस्ट वाले करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपको पता है चर्चेज जो है अभी तक चैरिटी करते हैं, होमलेस लोग भी हैं और सारे लोग हैं, तो उन्होंने सबको रोजगार दिया। और जो जैसे आप हमने पिछले प्रोग्रामों में जिक्र किया था कि ऐसी खवातीन चाहे वो बुढ़ापे में पहुंच गई हैं या वो वहाँ पे हैं, सुबह उनको बस ले जाती है और रियासत खुद उनको पैसे देती है कि आप स्टॉक मार्केट में, उन्हें बताती कि यहाँ यहाँ पैसा रखें, उनका दिन भी अच्छा गुजर जाता है और वो शाम तक अच्छी जो है वो वेजेस भी बना लेती हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर लेती हैं। तो यूँ उन्होंने अपनी कंपनीज के लिए भी सरमायाकारी पैदा की, देखते देखते वो दुनिया की दूसरी बड़ी माशी ताकत बन गई। अब तो आपने देखा था कि जब 100 साल पूरे हुए तो कम्युनिस्ट पार्टी के सदर और वज़ीर आज़म दोनों ने सदर अमेरिका को मुखातिब करके कहा कि अब धमकियां देने का जो है आपका मैंडेट ख़त्म हो गया है, अब हम उस सतह पर पहुंच गए हैं कि अब हम आपकी धमकियां नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद एक ऐसा माशरा कायम कर लिया। देखिए इसमें कोई मज़हब की और उसकी बात नहीं, दरअसल मसावात पर मबनी जो भी माशरा आप बनाएंगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि अगर आप निज़ाम में जुल्म ख़त्म कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपको उसके समरात मिलना शुरू हो जाएंगे। आप अकीदा कुछ भी रखते हो तो इस दुनिया के अंदर ऐसा निज़ाम कोई भी अगर वो कौम है वो उसका कोई भी फेथ है या फेथ लेस भी है, मगर अगर वो अच्छे माशी और माशरती असूलों पर जो मसावात पर कायम होते हैं, जो हर एक की देखभाल करते हैं, अगर वो अपना ले तो फिर आपने देखते हैं कि टैक्सों भी बहुत शरह बहुत नीचे आ जाती है। इस वक्त चाइना के अंदर वो 2% से प्रॉपर्टी टैक्सेस पूरे अपने इलाके के लोगों को सेहत भी दे रहे हैं, तालीम भी दे रहे हैं, रोज़गार भी दे रहे हैं, और उन्होंने बेहतरीन मॉडल बनाया। सिंगापुर बहुत छोटा था, उन्होंने भी 6% बहुत कम टैक्स लगाकर और कंपनियों पे बहुत कम, और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट बन गई है, रोटरडैम को भी ख़त्म कर रहे हैं। इसी तरह से आप जापान में देख लीजिए कि वॉर के बाद बिल्कुल तबाह हाल हो गए थे, मगर आज दुनिया की फिर एक बहुत बड़ी सनती ताकत समझे जाते हैं कि उनके पास कोई खाम माल लोहा नहीं है, मगर वो ऑटोमोबाइल जिसमें लोहा ज़्यादा होता है उसके वो जाकर अमेरिका में कम्पीट करते हैं। तो हमें यहाँ अगर हम अपने लोगों को ये सिखाते कि वो बेहतरीन स्किल्स हासिल करें, उसका उनको मुआवजा सही मिलेगा, उनको किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होगी, वो CSS का इम्तहान हम ख़त्म कर दें, अगर हम मेरिट पे लोगों को लें, जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक लोगों को लें, और हमारे यहाँ अदम मसावात, क्योंकि खुद ये CSS के ज़रिए जो चाहे गरीब का बच्चा भी अगर आ जाता है, वो माहौल ऐसा होता है कि वहाँ जाते हैं वही उसको क्लास करेक्टर बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, क्योंकि एकेडमी में और अकाकूल में पहले ये सिखाया जाता है कि आपने लोगों को हकारत की निगाह से देखना है, आपने अपने शहरियों को जो है वो शहरी नहीं समझना है बल्कि अपने आप को हुक्मरान समझना है और उनको राया समझना है। तो ये जो सवाल है इसके लिए बुनियादी सवाल है कि दरअसल जो कौमें बनती हैं वो तब बनती हैं जब माएँ जो हैं वो पढ़ी लिखी होती हैं, जब माएँ पढ़ी लिखी ये मुराद ये नहीं है कि वो डिग्री लेकर आ जाती, जब शौरी सतह पर वो अपने बच्चों को ये सिखा पाती हैं कि तुमने औरत की इज्जत करनी है, तुमने एहतराम इंसानियत करना है, तुमने मसावात करनी, तुमने लोगों को एक जाविये निगाह से नहीं देखना, किसी बायस नज़रिए से नहीं देखना, किसी हकारत की नज़र से नहीं देखना, ऊंचाई और बुलंदी और पस्ती की जो मियारात बना रखे हैं इस माशरे ने उसमें नहीं देखना, तो फिर वो माशरा बतौर ख़ास देखिए शुरू में चाइना के लोगों ने सख्त वक्त गुजारा, एक डबल रोटी खाते थे, एक तरह के कपड़े पहनते थे, आज वो सबसे ज़्यादा महंगे सूट पहनते हैं, टाई पहन, तो ये फिर उन्होंने एक तरक्की करके कोशिश करके माशरे के अंदर अदम मसावात पर, मगर आप यही बात देखेंगे तो दौलत सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट में थी, मगर वहाँ सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी है औरतों के साथ, अब वो थोड़ा थोड़ा आज़ादी देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आप देखिए कि वहाँ 65-8 तक तो औरतों की मंडियाँ लगती थी बाज में, और ये कहने को मुसलमान माशरे थे, मगर अब बैरूनी दुनिया के दबाव से और अंदरूनी दबाव से औरतों ने बहुत स्ट्रगल की, तो अब उनको वहाँ पहले तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी चलाने की इजाज़त मिली है, अब अकेले हज करने की इजाज़त भी मिल गई है, तो देखते देखते जो हमारे हाँ कलर्जी का और उसका एक रोल था बादशाह का जो मिलकर लोगों को दबाकर रखते थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो मैं आज आपके साथ जो आखिरी नशिस्त थी वो एक अच्छे जो है वो नोट पे ख़त्म करना चाहता हूँ, जो पैसिमिज्म का नहीं बल्कि वो जो है वो एक जो है ऑप्टिमिज्म का है कि इस जद्दोजहद ने यही नहीं किया कि हमें पीछे रखा है, बल्कि उन जगहों पर जहाँ पहले ये कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि वो घरों से निकल सकेंगी शटल कॉक बने बगैर, आज वो दोबारा हो रहे हैं। हाँ मैं अलबत्ता ये उम्मीद करता हूँ कि ये तजर्बा दोबारा अफगानिस्तान में
अमेरिका के वहाँ चले जाने के बाद नहीं दोहराया जाएगा कि हमारे इलाके में फिर हम उस तरह का माशरा देखें। और वहाँ चूँकि औरतों को बहुत सप्रेस किया गया था, और ये अगर ऐसा किया दोबारा होता है तो ये तारीख में एक बहुत बड़ा जुर्म भी होगा, और फिर हमें ये भी नज़र आएगा कि दरअसल ये ऐसा प्लान किया गया था कि मुसलमानों को हमेशा उनके अंदर एक ऐसा कोई ना कोई मुल्क रखा जाए जिसको ये बहाना बनाकर कह दिया जाए कि देखिए ये मज़हब बुनियादी तौर पर ही ख़राब है, ये तो औरतों को इस तरह ट्रीट करता है। क्योंकि कब किसी से पूछा गया था, और ये बात मैं आप बड़े वसूख के साथ आपको कह रहा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी ने पूछा कि इस्लाम अपनी ज़ेनत पे यानी अपने टॉप इस पॉइंट पे क्या होगा, उसका क्या होगा, ज़ाहिर है कि लोगों के जहन में ये सवाल आया कि ये उभरती हुई तहजीब है तो कहाँ पहुँचेगी। तो सवाल का जवाब इतना बेहतरीन है, अगर हम उस पर प्रोग्राम ख़त्म करेंगे तो सब चीज़ें हल हो जाएंगी। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत तने तनहा वो शाम के करीब एक इलाका उन्होंने ले लिया कि वहाँ से चलेगी और उसकी जेवरात से लदी होगी और वो अकेले हज करके वापस आएगी, उसको कोई फियर नहीं होगा कि मैंने रात को कहाँ ठहरना है। तो जब माशरा औरत की इस मकाम के ऊपर जाकर हफाजत और उसकी जो है वो तकरीम और उसकी इज्जत कर सकेगा तो वो होगा वो माशरा, वो नहीं होगा जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, जिसमें बड़ी बड़े कारें होंगी, जिसमें बड़े बड़े आपके जो है टेक की इंडस्ट्री होगी, बल्कि देखा जाएगा किसी माशरे को इस मियार के ऊपर कि वहाँ औरतों के साथ कैसा सलूक होता है। और फिर ये कहा गया कि तुम में से सबसे अच्छे वो हैं जिनका अब सलूक अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा है, और मैं तुम में से सबसे अच्छा हूँ कि मेरा सलूक सब उनके साथ अच्छा है। तो ये जो चीज़ें थी, इन्होंने हमें जो सबक देना था कलर्जी ने इसको बिल्कुल बिगाड़ के ऐसे अंदाज में पेश किया कि ज़हनी तौर पर भी औरतों ने अपने आप को महकूम समझना शुरू कर दिया। और चूँकि वो उसी बाप के घराने में पैदा होती हैं जो मौलवी के बताए हुए रास्ते पर चलता है, ना कि अल्लाह ताला और उसके नबी के रास्ते पे चलता है, तो आज हम इन परेशानियों का शिकार हैं। तो इस पे मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा, अगर आपको कोई और सवाल हो तो मैं ज़रूर पूछ सकूँ। इकरामुल हक, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू की, ज़बरदस्त मालूमात हमें दी, और जो शऊर और आगही को बेदार करने के लिए जिस तरह आपने मिसालें दे के तारीखी हवालों से असरी हवालों से बात की, उसकी क्या बात है, आपका बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और उम्मीद है कि हम आइंदा पर और भी प्रोग्राम इन बहुत से मौजूदात पे करते रहेंगे। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो टेक्स्ट की तशरीह तो जारी है, मगर इस सीरीज की ये आखिरी नशस्त थी। उम्मीद है कि आपको कुछ रहनुमाई मिलेगी अपने टेक्स्ट के मामलात में, और ये याद रखिएगा कि टेक्स्ट के मामलात जो है वो हमारी सोसाइटी से, हमारी गवर्नेंस से, हमारे पूरे निज़ाम से जुड़े हुए हैं। तो जब तक हम पेट्रियार्की की बात नहीं करेंगे और सोशल इनजस्टिस की बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक टैक्स सिस्टम को सिर्फ तनकीद का निशाना बनाना मेरे ख्याल में नाइंसाफी होगी। मगर टैक्स सिस्टम अगर में अगर जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस आ रही है, उसमें हम क्लास इश्यूज को और औरतों की मुख्तलिफ सिचुएशंस को देख रहे हैं, या कम अज कम ये सोच भी बेदार हुई है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और मेरी ख्वाहिश है कि तमाम ख्वातीन को एक बहुत ही जबरदस्त विमेन फ्रेंडली और जेंडर रिस्पॉन्सिव, जेंडर सेंसिटिव टैक्सेशन सिस्टम मिले, जहां वो ये महसूस करें कि उनके काम को और उनकी सिचुएशन को रियासत समझ चुकी है। किताब को आप डाउनलोड कर सकते हैं www.creativeangerbyrakshi.com.pk से।